नमस्कार, मैं श्रीमती विद्यावती कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एसोसिएट प्रोफेसर कुलदीप कुमार बोल रहा हूँ। आज हमारे यहाँ पर नेशनल सेमिनार आयोजन किया गया है। इसमें बहुत से नई टेक्निक्स के बारे में जो एक्सपर्ट आए हुए हैं, सीएसआर से आए हुए हैं, कारी से आए हुए हैं, मथुरा से आए हुए हैं, ये इस चीज़ को फोकस कर रहे हैं कि जितनी भी हर्बल ड्रग्स हैं, नई टेक्नोलॉजी है और जो रिसर्च चल रही है, किस तरह से इनको वैलिडेट करना है। हर्बल ड्रग में जो एक्टिव मटेरियल हैं उनको किस तरह से एनालाइज करना है और एनालाइज करने के अलावा इनका उपयोग किस तरीके से किया जाए, आज की आधुनिक विज्ञान में कहा जाए तो इन मटेरियल को आइडेंटिफाई करना, कोडिंग करना और कोडिंग करने के बाद उनकी सही एक्टिविटी पहचान करना, इस तकनीकी के ऊपर बहुत बड़ी एक कार्यशाला है जिसमें सेमिनार में इन सब चीज़ों के लिए बताया गया है। हमारे बी फार्मा फाइनल ईयर, थर्ड ईयर, एम फार्मा के छात्र इस सेमिनार में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। बाहर से भी छात्र आए हुए हैं और इस सेमिनार में बताए गए जो डिटेल्स हैं उनका बड़े बेसब्री से इंतज़ार करते हुए सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और आगे फ्यूचर में जितनी भी प्लानिंग्स हैं उनको भी बनाने में उसके लिए सहायक होंगे। इसलिए हमारे जो गेस्ट हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो बच्चों को इस तरह का ज्ञान दे रहे हैं जिससे उनका फ्यूचर अच्छा बने। मेरा नाम मीनल सोनी है, यहाँ पर मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ श्रीमती विद्यावती कॉलेज में। आज हमारे यहाँ नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया था जिसका टॉपिक था डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स के बारे में बताया गया था और यह भी बताया गया था कि किस तरीके से उन टेक्निक्स का हम यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे आज के सेमिनार में और काफ़ी वैल्यूएबल रहा, थैंक यू। तो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य यही था कि किस तरीके से अवेयरनेस फैलाना है कि जो टेक्निक्स डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहे हैं इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग ड्रग्स में, हम उनका कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से नई नई टेक्निक का यूज़ करके हम मेडिसिन को और ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं।